वेलकम दोस्तों, मेरे सभी व्यूअर्स, इंजीनियर एसके समेले योग गुरु यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत वंदन करते हैं, सभी को प्रणाम करते हैं। तो हिप्नोटिज्म क्या है, हिप्नोटिज्म की शुरुआत हम कैसे करें, हिप्नोटिज्म के लाभ क्या हैं, इसके बारे में विस्तार से एक एक करके वीडियो अपलोड करते जाएंगे। तो आज त्राटक साधना है, जो सम्मोहन विद्या है, जो हिप्नोटिज्म है या मेस्मेरिज्म है, इसके लिए हम शुरुआत कैसे करें। तो वास्तव में जो हिप्नोटिज्म है वो त्राटक साधना के जरिए, और त्राटक जो है योग का एक भाग है, क्योंकि योग के जो प्रमुख अंग हैं उनमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि, इसमें हठ योग के अंतर्गत षटकर्म होते हैं। षटकर्म में नेति, धोती, बस्ती, कपालभाति, नौली और त्राटक, ये योग के ही भाग हैं। तो त्राटक में हम जो शुरुआत है, मन को पूरी तरह से कंसंट्रेट करना, पूरी तरह से एक बिंदु पर सारी ऊर्जा, मन की पूरी दिशा को एक बिंदु पर यूनिफाइड करना, उसको एकाग्र करना ही त्राटक है। और इसके द्वारा हम एक ऐसी अद्भुत शक्ति, एक अलौकिक शक्ति प्राप्त कर सकते हैं, जिसके द्वारा किसी भी व्यक्ति के अवचेतन मन को नियंत्रित करके पूरी तरह से, और उसके अंदर जो शारीरिक, मानसिक, आध्यात्मिक जितनी भी उसकी परेशानियां हैं, जो व्याधियां हैं, चाहे वो शारीरिक रोग से संबंधित हो या किसी भी तरह से चिंता, तनाव, अवसादग्रस्त है, या किसी की विल पावर बहुत कमजोर हो गई है, जीने की इच्छा खत्म हो गई है, उत्साह खत्म हो गया है, या कोई नशे की आदतों में किसी तरह से फंस गया है, तो इन सब चीजों से मुक्त करने के लिए, छुटकारा पाने के लिए त्राटक साधना के द्वारा अर्जित शक्ति का हम सदुपयोग समाज के कल्याण में कर सकते हैं। तो त्राटक हम शुरू कैसे करें, बिना गुरु के कृपया कोई भी ना करें, गुरु के सानिध्य में ही करें। तो त्राटक की जो साधना है उसका प्रारंभ हम बिंदु त्राटक से करते हैं। त्राटक साधना तो बहुत प्रकार की होती है, बिंदु त्राटक होता है, फिर ज्योति त्राटक होता है, फिर दर्पण त्राटक होता है, वृक्ष त्राटक होता है, अग्नि त्राटक होता है, सूर्य पर त्राटक, चंद्रमा पर त्राटक और मूर्ति के ऊपर त्राटक। तो इस प्रकार से बहुत प्रकार के त्राटक करने की विधियां हैं, जिनमें से आज हम आपको बिंदु त्राटक के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। बिंदु त्राटक में हमें क्या चाहिए, एक कागज, सफेद कागज चाहिए, ये लगभग 1.5 फीट बाई 1.5 फीट का कागज हो, चौकोर हो तो ज्यादा अच्छा, अगर आयताकार है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको हम टेप से और अपनी आंखों की सीध में बिंदु रहे, इस तरह से हम टेप से दीवार के ऊपर हम चिपका देते हैं, दीवार के ऊपर हम इसको इस तरह से चिपका देंगे, ये दीवार पर हम इसको चिपका देंगे और ब्लैक से इसको यहां से एक सीध में रहे, प्रयास रहे हमारा। ये हमने इसको कागज को चिपका दिया, चारों कोनों पर हमने कागज को लगा दिया है। और बिल्कुल उसमें कोई सिकुड़न ना हो, इस तरह से हमने दीवार के ऊपर ये कागज चिपका दिया है। बिंदु त्राटक में हम एक कागज को दीवार में, सफेद कागज है, उसको दीवार में टेप से चिपका लेते हैं और फिर उसके सेंटर में
कागज के मध्य में, कागज के बीचों बीच, लगभग एक पॉइंट आएगा तो बीचों बीच जो पॉइंट है इस पर हम नीले रंग की स्केच पेन लेकर के और इस पर एक बिंदु हम इस पर बना देंगे। बिंदु का आकार बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। बल्कि जितने स्केच पेन की नोक है, बस ये जो बिंदु आप देख रहे हैं चित्र में, ये बिंदु पर्याप्त साइज का है और त्राटक के दौरान हमें इसका एक लेवल है, नेत्र के सीध में रहे, ये अपने आंखों के सीध में ये बिंदु होना चाहिए। बिंदु त्राटक में हम पूरा कंसंट्रेशन आंखें खोल करके बिना पलक झपकाए लगातार इस बिंदु में हमको पूरे अपनी दृष्टि को लगाना है। और इन द बिगनिंग, शुरुआत में हम इसको 5 मिनट करें और अगर आंखें जलती हैं या कोई एयर प्रेशर पड़ता है तो आंख से आंसू आते हैं तो हम इसको पलक 5 मिनट बाद झपका भी सकते हैं, फॉर द बिगनर्स जो शुरुआत कर रहे हैं उनके लिए है। फिर धीरे धीरे से हम इसका समय पर डे हम एक एक मिनट करके इसका धीरे धीरे समय बढ़ाते जाएंगे। और बिंदु त्राटक का जो अभ्यास है ये हमें लगभग 30 से 35 दिन तक लगातार करना है। और कितने बजे त्राटक करें हम ये भी जान लेना जरूरी है। हम रात को अगर त्राटक करते हैं तो बहुत ही अच्छा है। मॉर्निंग आवर्स में, ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह 5 से 7 के बीच में अगर हम त्राटक का अभ्यास करते हैं तो बहुत अच्छी बात है कि हम सुबह और शाम ये दोनों वक्त जो है त्राटक के लिए बहुत अच्छे हैं। और कभी कभी रात्रि को 12 से 3 के बीच में अगर कोई करे ये साधना तो इसका लाभ कई गुना और अधिक मिलता है। तो इसके बाद फिर हमें बिछाने के लिए कंबल होना चाहिए। कंबल या कोई कुचालक वस्तु हो जिसपे हम ऊपर बैठेंगे, एक आसनी के रूप में, एक आसन पर बैठ के और नेत्रों की बिल्कुल सीध में बिंदु को हमें लगातार एक तक इसको देखना है। 30 से 35 दिन के अंदर आपके अंदर एक ऊर्जा का संचार होने लगता है, एक शक्ति का संचार आपके अंदर होने लगता है और बिंदु बीचों बीच देखते समय कोई दुनियावी विचार ना आए तो बहुत अच्छी बात है। उसका त्राटक का लाभ कई गुना उससे बढ़ जाता है। और त्राटक साधना करने के तुरंत बाद हमें अपनी आंखों को जल से नहीं धोना है, बल्कि नेत्र बंद करके थोड़ी देर हम अपनी भ्रकुटी, ये दोनों भौहों के बीच का भाग है जो आज्ञा चक्र है, इस बिंदु को नेत्र बंद करके हम अपने अंदर भी देख सकते हैं। तो और खान पान हम कैसा रखें, त्राटक साधना के दौरान हम बहुत ही पौष्टिक भोजन करें, शुद्ध सात्विक भोजन करें, फलों का सेवन करें, दूध का सेवन करें तो जो भोजन है हमारा वो पूरी तरह से सात्विक और पौष्टिक होना चाहिए। तो ये हमारे त्राटक साधना, जो बिंदु त्राटक है हमारा, इसका अभ्यास हम लगभग 30 से 35 दिन लगातार पहले पहले इस प्रारंभ में बिंदु त्राटक से ही हमें त्राटक साधना की शुरुआत करनी है। और त्राटक साधना इसके बाद फिर सेकंड स्टेप में हम ज्योति त्राटक की बात करेंगे। तो आज हमने आपको त्राटक साधना कैसे करनी है, इसका शुभारंभ हम कैसे करें, तो बिंदु त्राटक के माध्यम से हम दीवार पर कागज को चिपका के उसके मध्य में स्केच पेन, नीले स्केच पेन से बिंदु जितना उसकी स्केच की नोक है उसके आकार का बिंदु लगा लेते हैं। और बढ़िया से अगर स्नान करके नहा धो के बैठते हैं आसन बिछा करके और नेत्रों की सीध में वो बिंदु रहे, ये हम विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और बीचों बीच जो बिंदु है उस पर पूरा कंसंट्रेशन हमें बिना पलक झपकाए पूरा अपन को अपलक होकर के लगातार इसको देखना है। तो ये आपके लिए हमने पहली सीढ़ी जो त्राटक की है, जो लोग सीखना चाहते हैं और जीवन में बहुत आगे बढ़ना चाहते हैं, अपनी कैपेसिटी ऑफ वर्क
एनर्जी, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इंट्यूशन, इमोशनल कंट्रोल, बहुत सारी क्षमताएं आपके अंदर अद्भुत आत्मविश्वास और इच्छा शक्ति में वृद्धि खुद के में होगी और इसके द्वारा आप दूसरे लोगों के अंदर भी उस शक्ति का संचार कर सकते हैं, उनके अंदर आत्मविश्वास पैदा कर सकते हैं, उनके अंदर इमोशनल कंट्रोल है वो आप उनके अंदर सम्मोहित करने के द्वारा के जरिए आप उनके अंदर इन शक्तियों को बढ़ा सकते हैं। तो आज ये हमने बिंदु त्राटक से प्रारंभ करने की प्रक्रिया आप सभी को बताई। जो लोग सीधे ज्योति त्राटक करने लगते हैं वो बिल्कुल ठीक बात नहीं है, क्योंकि त्राटक का जो अभ्यास है उसका प्रारंभ है, शुरुआत जो है बिंदु त्राटक से ही करना चाहिए। वैसे तो यम नियम का पालन करना बहुत जरूरी है, योग आसन करना भी बहुत जरूरी है, प्राणायाम अगर आप बिंदु त्राटक या कोई भी त्राटक करने के पहले अगर अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन प्राणायाम अगर आप कर लेते हैं तो उसे मन बहुत शांत अवस्था में हो जाएगा और त्राटक में अधिक मन लगेगा। तो त्राटक करने के पहले प्राणायाम कर लें तो भी बहुत अच्छा है। जय हिंद।